इम्पोर्टेंट है आप रोडीज के लिए? फ्रेंडशिप. नाइस. थिंक वाइजली अबाउट इट एंड मीट मी एट द टास्क लोकेशन. नाइस. वन मोर टास्क. आरुषि जा चुकी थी और हम 5-2 हो चुके थे एंड हमारा गेम प्लान यही था कि अब अगर गेम में रहना है तो परफॉर्म करो, इम्यूनिटी लो और इन सबको भगाओ. इसी टेंशन के माहौल में हमें ओप्पो की तरफ से एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिली प्रिंस सर से बात करने की. तो मैंने कहा कि यार ये कॉल रिसीव करना भी मतलब ओप्पो के स्टाइल में ही बनता है ना. मैंने ओप्पो का नया फीचर यूज़ किया जो कि था टचलेस एयर कंट्रोल. मैंने जस्ट अपना हाथ स्वाइप किया स्क्रीन के ऊपर बिना टच करे और वो कॉल रिसीव हो गया. हेलो. हेलो. हेलो प्रिंस सर, कैसे हो आप? हाउ आर यू गाइस? सर गुड सर, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ. कैसे चल रहा है सब कुछ? सर सब कुछ ठीक चल रहा है. सर नहीं चल रहा, आपके बिना नहीं चल रहा. आप आ जाओ. मैं आ जाऊंगा. मैं बहुत आई एम कमिंग वेरी सून गाइस. आप आओगे तो आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा, खराब कुछ नहीं मिलेगा, पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं हम. आई ट्रस्ट यू गाइस. तभी मैं मेरे काम का मत काम से बात करी. मुझे पता था मेरे पास आकाश और कुर्बान है जिनपे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ और वो गेम देख कर आ रहे हैं. ठीक है. यस सर. अपना अपनी नजर हमेशा वैसे रखना कि ये मेरा टाइटल है, ये टाइटल मुझे लेके जाना है और इस पर पिन पैन जीतना चाहिए. ओप्पो एमटीवी रोडीज रेवोल्यूशन को पावर्ड बाय कैस्ट्रोल पावर 1 एलो फ्रूट जूस एंड मैनफोर्स. और ये है आपका अगला वोट आउट. वोट आउट सुनते सबके मुंह खुले. मेरी और माइकल की तो चुकी थी क्योंकि हमें पता था कि हम दो ही एक साथ है, बाकी सब अलग है, तो हम लोग बहुत टेंशन में आ गए थे. ओह माय गॉड. आप ये सोच के आते हैं कि आप टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, एक और मौका मिलेगा, कुछ तो विल बी एबल टू रिडीम आवरसेल्व्स एंड बूम वोट आउट. आज रोडीज रेवोल्यूशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि जितने भी आप लोगों ने अभी तक से बॉन्ड्स बनाए हैं, परफॉर्म किया है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे रहते हो कि नहीं. बाय द एंड ऑफ टुडे ऑल द टीम्स विल ऑल्सो बी फॉर्म्ड. जब आप अपने रूम्स में आज वापस जाओगे आपको ये पता होगा कि आप कौन से लीडर के साथ रोडीज रेवोल्यूशन जीतने वाले हो. अगर आपको आगे जाना है, कौन आपको लीड कर रहा है. सबसे पहले नेहा, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अपॉइंट अ कैप्टन. बिफोर वी स्टार्ट द वोट आउट, हर टीम में दो लोग होंगे, अ बॉय एंड अ गर्ल. पीपल कैन पिच. मैम आई वुड लाइक टू से कि मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ और मैंने परफॉर्म भी किया है. मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कैप्टन बनाएं क्योंकि मुझ में वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं. आई वॉन्ट टू पिच एज वेल. मुझे पता था एक नंबर के हाउरी पूनम तो अपना हाथ उठाएगी ही उठाएगी. और मेरे को एक भी आदत पता है पूनम की, वो हर चीज में मैं करती रहती है. आई रियली वॉन्ट बी योर कैप्टन और मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे प्लीज सिलेक्ट करिए क्योंकि आई विल बी अ गुड लीडर एज वेल. हाँ जी. रोडीज है, मेरी अंदर भूख है जीतने की. जब भी परफॉर्म किया है अच्छा किया है एंड हम लोग का वाइब भी बहुत अच्छा है बिकॉज वी हैव क्लियर कम्युनिकेशन. हम लोग की चॉइस, हम लोग का मतलब यू नो क्या करना है, स्ट्रैटेजी, इट डज मैटर क्योंकि वो हम लोग का सेम वाइब करता है. तो यू नो आई एम एंड आई एम टू एस इट. जब संजय ने पिच किया मुझे कहीं ना कहीं लगा कि संजय भी कैप्टन बन सकता है बिकॉज एनी विच वे नेहा मैम उसे बहुत फेवर करती है, नेहा मैम उसे पसंद करती है. तो I was a little scared कि शायद संजय ही आज कैप्टन बन जाए. I'm actually surprised कि और लोग क्यों नहीं बनना चाहते नेहा की टीम के कैप्टन. Any team's captain, you're here on roadies. आप कैप्टन बन सकते हो और you don't want to fight for it. मुझे कहीं ना कहीं ये घबराहट थी कि नेहा मैम मेरा नाम ना ले ले क्योंकि मैंने डे वन से ये कहा है और हर लीडर ये जानता है कि मैं कितना ज्यादा अटैच्ड हूँ वरुण सर से. So I was just really hoping कि नेहा मैम मेरा नाम ना ले. Is there a decision, नेहा? आपने decide किया है? Yeah.
बोलिए। अभिमन्यु, अगर कोई मुझे कैप्टन बनने का मौका दे तो मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा, लेकिन जब अभिमन्यु को मौका मिला तो उसके चेहरे पे खुशी नहीं थी, क्योंकि वो वरुण सर की टीम में एक मेंबर ही बन के जाने में खुश था। अगर मैंने अभिमन्यु को छोड़ दिया और जयंत और अभिमन्यु को मैं एक साथ अगर डाल दूं, तो इवन इफ आई ट्राई हार्ड, इट्स नॉट गोना बी गुड एनफ, आई हैव टू ट्राई मच हार्डर टू बीट द कॉम्बिनेशन ऑफ जयंत एंड अभिमन्यु। एंड दैट्स व्हेन आई थॉट कि अपनी गेम सुधारने के लिए और उससे ज्यादा किसी और की गेम बिगाड़ने के लिए द बेस्ट ऑप्शन एट दिस पॉइंट वॉज अभिमन्यु। अभिमन्यु कैसा लग रहा है? सर मेरा मन एक्चुअली वरुण सर के लिए था, सिंस द डे ही केम। लीडर के साथ साथ आई थिंक मुझे उनमें एक बड़ा भाई दिखता है। मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं उनके साथ ही आगे जाऊं, बट ठीक है, सिचुएशंस ऐसे अनफोल्ड नहीं हुई। मेरे सर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, चाहे वो कोई भी हो, मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं अपना 100% दूँ एज ए कैप्टन। And I was ready to take this responsibility. और अब time था आगे बढ़ने का इस game में as a captain. हर team में फिलहाल एक लड़का लड़की होने चाहिए। Prince, जब से तुम लोग आए हो, you've always been together. आपको और कुछ ज़रूरत भी नहीं है। इतना important decision है और thankfully ये आपके ऊपर नहीं आएगा। You already have two of you for now. निखिल, नेहा और वरुण, अब आप अपने अपने team में एक एक लड़कियाँ चूज कर सकते हैं। I'd like to choose Poonam. Poonam, okay. नेहा, वरुण, क्या पूनम आपकी भी फर्स्ट चॉइस है आपकी टीम के लिए? I would love to have her in my team, but first choice नहीं थी। Are you an option right now, नेहा? Yeah, I'd like to pitch for Poonam. Poonam, अगर आपको लगता है कि आप मेरी टीम में परफॉर्म कर सकती हैं, आपने पिच किया था कैप्टन होने के लिए, you were definitely one of my top choices, but kyunki main alag kisam ki math kar rahi thi isliye main chahti hu ki aap aake hamare sath perform kare please, kyunki main is journey mein late aayi hu, har bar bonds banane ke liye bahut problem hoti hai because ye log sab aapas mein ek dusre ko jante hain, they already friends, aur aap hamesha late aate ho to ye dar rehta hai ki kahin internal vote out ho to aap chhoot na jao, ya immunity dene ka mauka ho to aap fir se chhoot na jao, because of course bond again with the contestants or bond with the leaders is so important, so it's a tough decision to make. Poonam, can I help you out over there? Yes sir. Kabhi kabhi vote out ka jo situation hota na wo aapke haath mein nahi hota hai, but to perform and shine in every task wo aapke haath mein hai, aur aapko mere gang mein हर टास्क में चमकने का मौका मिलेगा। Definitely. In every task. Same here, Apo. Same here, Poonam. I mean, for me, right now you're in a situation because Nikhil knows Michael's strengths. तो कई बार क्या होता है, मुझे अभिमन्यु भी उतना ही मालूम है, मैंने भी परखा नहीं उसे. And for me, it's like दोनों नए हैं. अगर आप मुझे बोलोगे नहीं मैम मेरे को यहाँ जाना है, I'll be taking your input a lot more. This is a fresh start. Let's start from here. For me, I know Poonam's strength as well. Yeah, so you don't do come through battleground if you can't perform. But so do I. But हम perform यहाँ पे आपको मालूम है Michael इसी चीज़ में अच्छा है. That's why you're my first choice. क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप काम perform कर सकती हो. And you'll kill it in every task. तो हमेशा ही Michael को आगे रखें. Yeah, there's no doubt about it. Roots for Michael. So choose wisely. Do you want to go there? Is that? No, no. But he only roots for Michael. You know how. He's very doesn't believe in team effort. He's like अगर एक बंदे ने किया है तो वही है सही बस. वो कभी कभी जाने अनजाने में काफी strong statements pass कर देते हैं. You don't believe in team effort. Yeah. You don't appreciate everybody in the team. You just appreciate one person, and that's Michael and Arushi. Shot fired. Choose wisely, Poonam, because you need to survive in this game, bro. पता नहीं श्रेया को ऐसा क्यों लगता है कि निखिल सर माइकल को हमेशा अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं एंड उसी को हर जगह भेजते हैं. मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो RPL टास्क में माइकल परफॉर्म कर रहा होता एंड मैं परफॉर्म नहीं कर रहा होता. तो ये कहीं ना कहीं श्रेया का गलत फहमी थी. I'd like to change my decision. I want to keep Shreya on my team. Huh? You want to change your decision? I want Shreya on my team. I would like to go with them. Perfect, nice. हाँ? Sir, मैं टीम नेहा में जाना चाहूंगी. टीम नेहा? Yes.
Congratulations. Thank you. You can go. Thank you so much, Nikhil sir and Neha ma'am, for showing that faith in me. And thank you so much, Neha ma'am. And most importantly, thank you, Shreya. Kya baat hai? फाइनली अब मैं लावारिस की तरह नहीं घूम रही थी. आई हैड अ टीम और मैं थी टीम नेहा में. मेरे साथ था अभिमन्यु. श्रेयस जस्ट अबाउट टू फाइंड आउट हाउ इम्पोर्टेंट टीम वर्क इज. वरुण, डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू गेट श्रेया इन योर टीम? नो. सो हू डू यू वॉन्ट? निशा. यप. यू वॉन्ट निशा? यप. श्योर अबाउट दैट? यस. देन देयर इज नो फाइट एट ऑल. निशा, congratulations. Thank you so much, sir. You are in team Varun. How does it feel? बहुत. मैं यही चाहती थी, इसीलिए मैंने किसी को पिच नहीं किया. और श्रेया ने बिल्कुल सही कहा था जो अभी बोला कि यू नो कि सर नहीं अप्रिशिएट करते हैं. सर का हमेशा से ध्यान आरुषि एंड माइकल पे ही रहा है. अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है तो सिर्फ सर को ये रहता है, कोई गलती भी करता है तो सर के लिए वो हमेशा से गलत ही हो जाता है. मैं निखिल सर की टीम में नहीं जाना चाहती थी. इसका रीजन ये नहीं है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं या वो सबको सपोर्ट नहीं करते, बट उनकी चॉइस हमेशा माइकल और आरुषि रहे हैं. वो ही उनके फेवरेट रहते हैं, चाहे वो गलती करें या ना करें. बिचारी श्रेया का बड़ा मुंह उसी को खा गया था, उसका बोलना उसी पे भारी पड़ गया था. आई हैव टू से निखिल, जो आपको चाहिए होता है ना आपको मिलता है. यू चोज हर एंड यू गॉट हर. श्रेया, आई एम गोना प्रूव यू रॉन्ग एंड आई विल वर्क हार्ड फॉर इट एंड आई एम गोना प्रूव दैट आई एम अ स्ट्रांग कॉम्पिटिटर टू ऑल ऑफ देम. यू आर वेरी यू डोंट अप्रिशिएट एनीवन. यू जस्ट अप्रिशिएट माइकल एंड आरुषि, बट आरुषि लेफ्ट. सो मेक श्योर ही डजंट टू यू नाउ दिस टाइम. कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट? मैंने माइकल को कब अप्रिशिएट किया? सर आपके लिए सिर्फ वही होते हैं. कब नहीं किया? कब नहीं किया? ऐसा लगा कि यार नेहा मैम को शायद पिच करना चाहिए था, कहीं मुझसे बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई. एंड रह गए थे हम पांच एंड कहीं ना कहीं डर था कि फिजिकली फिट नहीं हूँ एंड ऐसा ना हो कि आज अच्छा परफॉर्म ना करूँ और घर चला जाऊँ. आज के वोट आउट में से आप पांच में से एक वापस घर जाने वाला है. यहीं से. लेकिन एक एडवांटेज आप लोगों के पास, वोट सिर्फ आप पांच करेंगे. पांचों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू वोट. लेकिन कौन कितने वोट डालेगा ये आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड. थोड़ी सी जान में जान आई जब पता चला कि परफॉर्म करने को मिलेगा. हमारा घर जाना हमारे हाथ में होगा, ना कि किसी और के हाथ में. आज यहां पर एक टास्क होगा जिसका नाम है विन टू वोट, ब्रॉट टू यू बाय कैस्ट्रोल पावर वन, सुपीरियर पावर एंड एक्सेलरेशन. आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आज. स्पीड, पावर और एक्सेलरेशन, ये जो टास्क है ये अलग अलग स्टेजेस में. स्टेज वन, स्पीड. आप लोगों को ड्रम्स मिलेंगे, आपको ड्रम्स के ऊपर खड़े होना है और ड्रम्स को रोल करते हुए आगे जाना है बिना गिरे. जब आप दूसरे ड्रम तक पहुंचते हो आपको दूसरे ड्रम पे जाना है और फिर रोल करते हुए लाइन को क्रॉस करना है. दिस स्टेज इज द टेस्ट ऑफ योर स्पीड. जहां पे भी आप गिरोगे उस ड्रम पे वहीं से आपको दोबारा शुरू करना है. जो स्टेज में फर्स्ट आया उसको स्टेज खत्म होते ही दो वोट डालने का मौका मिलेगा. जो सेकंड आया वो एक वोट डालेगा. जो थर्ड आया वो भी एक वोट डालेगा. जो फोर्थ आया वो कोई वोट नहीं डालेगा. और जो फिफ्थ आया वो अगले स्टेज में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता. अगर आप उस टास्क में लास्ट आए तो आप वोट आउट के तो हिस्से होंगे लेकिन आपको परफॉर्म करने आगे नहीं मिलेगा. एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ने वाली थी. दिमाग खराब हो रहा था सोच सोच के. दूसरे स्टेज पर भूसे का भंडार बढ़ा है.
उस भूसे के अंदर बहुत सारी बॉल्स हैं. आपको बॉल्स को कलेक्ट करना है और आगे एक प्लेटफॉर्म पे जाना है. उस प्लेटफॉर्म के सामने एक ग्रिड है. ग्रिड पे 9 होल्स हैं. आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या डायगोनल 3 बॉल्स को डालकर एक रो बनाना है. जो सेकेंड स्टेज है दैट विल टेस्ट योर एक्सेलरेशन. जो फर्स्ट आया 2 वोट, जो सेकेंड आया 1 वोट, जो थर्ड आया कोई वोट नहीं लेकिन आगे जाएगा, जो फोर्थ आया वो अब इस स्टेज से आगे नहीं जाएगा. क्या सोचा भाई, क्या सोचा? वेरी इंटरेस्टिंग. लास्ट स्टेज पे जाएंगे 3 लोग. थर्ड स्टेज पर यू विल नीड योर पावर. आपके सामने एक दीवार होगी. दीवार के पीछे 3 टारगेट्स हैं जो आपको नहीं दिख रहे होंगे. आपके सामने एक रोप है. रोप के नीचे एक केटल बेल टंगी हुई है. आपको उसको अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए एक मोशन में रिलीज करना है और वो दीवार के पीछे जाके उस टारगेट को उड़ा देगा. फिर आपको वापस लाना है, दूसरे को उड़ाना है और फिर तीसरे को उड़ाना है. जिसने पहले ये 3 टारगेट्स उड़ा दिए उसको मिलेंगे 2 वोट. जिसने सेकेंड उड़ाए उसको 1 वोट. तीसरे को वोट करने का मौका नहीं मिलेगा. लेकिन अभी तक से कोई बाहर नहीं निकला है. पांचों के पांचों हैं अभी भी रोडीज पे. लेकिन जब वो वोट्स गिने जाएंगे तो पता लगेगा. ऐसा नहीं है कि मैं तो फर्स्ट आ गया तो मैं बच गया. आप फर्स्ट आए होगे लेकिन अगर आपके अगेंस्ट ज्यादा वोट आए तो कैसे होगा वो? सो कभी भी गेम पलट सकता है. सबसे ज्यादा रिस्क था हामिद को. वो एक इज्जत था और दूसरी तरफ सभी संजय और विपिन बहुत अच्छे दोस्त हैं और तीनों मिलकर हामिद के खिलाफ वोट डाल सकते थे. बिफोर वी गो एनी फर्दर, हामिद कल आप नहीं थे यहाँ पे टास्क में बिकॉज यू नीडेड रेस्ट. यस सर. और ये चोट आपको एक टास्क में लगी है. आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है. वो ये है कि वोट आउट तो आपका ही, आप ही हो वोट आउट में, लेकिन आपकी जगह कोई और परफॉर्म कर सकता है. वोट आप डालोगे और वो इन 8 में से कोई भी हो सकता है. इट्स योर चॉइस. थोड़ा रिलीफ आया था बट दिमाग में ये भी चल रहा था कि जिस बंदे को मैं चूज करता हूँ वो कहीं ऐसा ना करे कि मुझे बाहर निकालने के चक्कर में टास्क अच्छे से परफॉर्म ना करे. मैं पिच करता हूँ. इफ यू नीड समवन आई विल डू इट फॉर यू ब्रो. मेरा ओपिनियन है कि गो विद जयंत. गो विद जयंत हामिद. ये मेरा ओपिनियन है. यू कैन मेक अ डील विद हिम. नाज़रीन ही इज परफॉर्मिंग. आई विल जस्ट परफॉर्म फॉर हिम. इफ ही वांट्स आई विल बी देयर ब्रो. मैंने अपने आप को आगे पिच किया क्योंकि मैं चाहता था परफॉर्म करना एंड आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि मैं परफॉर्म करके एटलीस्ट हामिद को ये बता दूं कि भाई मेरे लड़के नहीं जाने चाहिए. आई एम रेडी टू परफॉर्म एंड मेक श्योर दैट माई बॉय स्टे एंड उन पे कोई उंगली ना उठाए. सर आई विल गो विद अभिमन्यू. अभिमन्यू? यस सर. कहीं ना कहीं ये भी पता था कि अभिमन्यु दूसरी टीम का है बट मुझे ये पता था, इतना मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये जब परफॉर्म करेगा तो जीतने के लिए ही करेगा. ये ऐसे ही तो मुझे नहीं हरवाएगा. हर स्टेज में आपका स्पीड, पावर और एक्सेलरेशन टेस्ट होगा. बेस्ट लक. लेट्स स्टार्ट. दिस इज व्हाट रोडीज इज ऑल अबाउट. आप परफॉर्म करो, आप वोट करो और आप सर्वाइव करो. सो दिस टाइम टू सर्वाइव एंड टू अर्न द राइट टू वोट यू हैड टू परफॉर्म. And this was probably the best vote out of roadies ever. Stage 1, drum rolls pe kade hain. Aankhein sirf finish line par. Mere bagal mein khada hai Aman, jo balancing ka champion hai. Sanjay, jisne aise 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 karke start kiya tha apna task Hadappa wale mein. Woo! My chakras! 1, 2, 3. Strategy. Yahan khade hain Zabi और यहां खड़े हैं विपिन. एक ही दिमाग में चीज थी कि भाई अभी कहीं नहीं देखना है, सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान देनी है. रेडी? यस सर. 3, 2, 1, गो. गो अभिमन्यू, गो अभिमन्यू, गो अभिमन्यू. चल शाबाश. फोकस फोकस फोकस. कम ऑन फोकस फोकस. मैंने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, मैं ड्रम रोल पे चढ़ा एंड आई स्टार्टेड रोलिंग इट. वहां पे लोग ड्रम को किक कर रहे हैं. संजय ड्रम को लात मार के आगे फेंक रहा था.
मैंने कहा भाई आपने टास्क आई थिंक सुना नहीं है ढंग से, ड्रम रोल को लात मार के आगे नहीं जाना है, ड्रम रोल पे रोल करके आगे जाना है, इट्स ड्रम रोल। Sanjay, to go back. Or more back, more back, more back. Sanjay, you're kicking it. You're not balancing on it. What Abhimanyu is doing is right. Chal Abhimanyu, shabash. Five people perform kar rahe the, but mera dhyan sirf aur sirf Abhimanyu pe tha. क्योंकि वो मेरे लिए परफॉर्म कर रहा था एंड मैं उसको फुल मोटिवेट कर रहा था कि अभिमन्यु कम ऑन कम ऑन कम ऑन गो अभिमन्यु गो अभिमन्यु गो अभिमन्यु नो 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 गेट बैक गेट बैक नो नो गो बैक अगेन अभिमन्यु ऑलमोस्ट लिटिल बिट ओके दैट्स इट अभिमन्यु फर्स्ट अभिमन्यु किल्ड इट इन द टास्क एंड हामिद के दो वोट कंफर्म हो चुके थे Sanjay, go back. That also goes back. You kicked it. Chal, chal. Vipin, chal, 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 chal. किसी तरह उसको roll किया, आगे बढ़े और second आए. मौका मिला. एक vote का. Come on, Aman, come on, come on. सब कुछ एकदम smooth चल रहा था. मैं finish line के एकदम करीब ही था कि मैं गिर गया. मेरा दिमाग एकदम सा खराब हो गया कि मुझे वापस से पीछे आके स्टार्ट करना होगा। अमन क्रॉस इट। कम ऑन जाबी। कम ऑन। कम ऑन जाबी। कम ऑन जाबी। अमन थर्ड। मैंने हिम्मत नहीं हारी, कैसे तैसे वो स्टेज थर्ड पोजीशन पे खत्म किया। जाबी कंप्लीट करेगा तू। संजय, व्हाट हैपेंड? यू ओके? या। संजय, यू हैव किक्ड थ्रू आउट, यू हैव टू गो बैक, यू हैव टू स्टार्ट। और वही बात है ना, छल कपट का फल कभी अच्छा नहीं होता। अगर मैं रनसर की जगह होता तो मैं संजय को ऋषिकेश से रिस्टार्ट करवाता। The close call was between Sanjay and Zabi and I was like, Sanjay ki ek galati ki wajah se kya wo yahi se disqualify na ho jaye. Come on, Zabi, just a little bit. Yes, yes, Sanjay, come on. Just a little bit more. Come on, Sanjay. Take it back, Zabi, take it back. It's rolled. Yes, Sanjay, nice one. I did not get a chance to vote someone, but main second stage mein pahunch chuka tha, which means I'm still in the game. हामिद टू वोट्स, उसके बाद विपिन वन वोट, अमन वन वोट। संजय आप आगे जाओगे अगले स्टेज पर। सभी आपको इस वोट आउट में वोट करने का मौका नहीं मिलेगा, बट यू माइट स्टिल सर्वाइव। क्योंकि मैं कंटिन्यू बॉल एम कर रहा था एक के बाद एक, मेरे हाथ सेट हो गया था कहीं ना कहीं, तो वहां पे मेरा काफी वक्त बचा। मैंने एक के बाद एक तीनों बॉल बास्केट कर दी और मैं उस टास्क में फर्स्ट आ गया। Sanjay second. Nice Sanjay. Fourth ball jab maine dali, I got a diagonal line and then I stand a second position in the second stage. सबसे पहले खत्म किया अमन ने, उसके बाद संजय ने भी कंप्लीट कर दिया जो बहुत ही शॉकिंग था, एंड फिर रह गया था अभिमन्यु और विपिन। मैं बस होप कर रहा था कि विपिन हमसे पहले ना डाल दे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं आगे वाले स्टेज में जा भी नहीं पाता। Come on, विपिन। विपिन बस एक। बस एक ही। Calm and focus, अभिमन्यु। When I roll the ball this time, the ball lands and hits the point and I finish third. Abhimanyu, well done, third. Well done, well done.
which means he gets ahead. He goes ahead. उस स्टेज पे मेरे को होना पड़ा एलिमिनेट, लेकिन दिमाग में कैलकुलेशन चल रही थी कि किसके पास और कितने वोट जा रहे हैं। मेन जो चीज थी वो टास्क जीतना नहीं, मेन चीज थी यहाँ पे सरवाइव करना, इस वोट आउट को सरवाइव करना। अमन केम फर्स्ट मतलब दो वोट, संजय केम सेकंड मतलब एक वोट, अभिमन्यु केम थर्ड मतलब आप आगे वाले स्टेज पे जाओगे। विपिन यू कांट वोट एनीमोर। Aman, because you're going for the vote, if you see my hard work here, there, anywhere, or anywhere in the journey, please count me in. मेरा काम है पिच करना, क्योंकि आज मुझे घर नहीं जाना है, तो गधे को भी बाप बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने अमन को पिच किया कि भाई प्लीज मेरा नाम मत। It's not only about performing, roadies is also about surviving and making true relationships. जहाँ पे कहीं ना कहीं संजय को खुद को पता था कि उसने true relationships नहीं बनाए हैं। What's going on in your head? I don't like this. Don't come. See, I don't want to lose this. I'm not making doctors. You're not going to lose it, Sanjay. I'm going to give my best. You are not going to lose it. I'm not crying. Sanjay, this is not the time. I'm not crying, ma'am. You are, Sanjay. I'm going to perform this. I'm all in. No one can break me from here as you are. It's been a very long journey in my life. Where I am, I'm very proud of it. I know, whatever it is, I'm going to make this count. It's not that, nothing. It's just that my life is going to be difficult. Everything has been to me. Of course, but it's been difficult, right? It's been difficult. Are you breaking down right now or not? I'm not breaking down. No. आंखों के सामने पूरी लाइफ का साइकिल में मेरा जितना भी जिंदगी है वो पूरा फ्लैशबैक में जाके मुझे ये दिखाई दे रहा था कि मेरी जो बाहर की जिंदगी है उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है। आई ऑलवेज फाइट फॉर माय ओन बैटल्स और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। यू नॉट गोइंग होम संजय, एंड वन ऑफ द वेज यू नॉट गोना गो होम इज इफ यू गोना गेट दिस। ओके, सो यू हैव टू गेट, आफ्टर गेट इट। यस, आर यू रेडी? यस। ओके, गो किक एस। यस, थैंक यू। If I win this stage, I'm gonna vote out two people, and which makes 3 votes. And out of 10 votes, अगर 3 वोट मेरे होंगे so 30% game मेरी होगी। तो ये stage में मुझे बहुत फाड़ू परफॉर्मेंस देनी है और मैं परफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ। Ready? Turn around. 3, 2, 1, go! इसमें भी फोकस यही था कि या तो अभिमन्यु को फर्स्ट आना है या अमन को, क्योंकि अगर संजय फर्स्ट आ गया तो वो 2 वोट और डालेगा और वो कहीं ना कहीं खतरा हो सकता था मेरे लिए। संजय जोर से, नहीं 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 संजय, कम प्रेशर, कम प्रेशर। बस थोड़ा थोड़ा मिस हो गया। मेरा पहला पाइप और दूसरा पाइप तो फटाक से गिर गया, लेकिन तीसरा पाइप गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो जा रहा था और टच करके वापस आ रहा था। मैं उसको फेंकता था जान लगा के, तो वो घुस के वापस और अंदर फंस जाता था। देन आई रियलाइज कि नहीं मन्यू, यहाँ पे तू थोड़ा धीरे फेंक के देख। संजय जो कि हमारी तितली है, उसने वो स्टेज सबसे पहले कंप्लीट किया। सब शॉक हो गए थे एंड मैं बहुत शॉक हो गया था। मैं टेंशन में आ गया था कि अब इसको 2 वोट डालने को मिलेंगे। अभिमन्यु गॉट द सेकंड वन। Shit, yeah.
What is your life, Sanjay? Winning? Yes, it is. At the end, you're winning, right, Sanjay? Sanjay, you're amazing, right? You're amazing. And are we going to celebrate that? That's it. You have proved yourself. Chin up, Sanjay. Or Sanjay, us waqt, was having his hero moment. He beat Aman, he beat Abhimanyu, he left Vipin behind, and he left Sabi behind. So he was up top in the task. Sanjay, you got 2 votes. Isse pehle bhi aapne ek vote dala hai. Out of 10, you're putting 3 votes, 30% votes in a vote out. Ready? Go for it. दिमाग में काफी सारे कैलकुलेशन चल रहे थे कि इस वोट आउट में कितने नाम आएंगे. संजय के दिमाग में कौन सा नाम चल रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था. मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं विपिन और संजय मिलकर हामिद को टारगेट करेंगे क्योंकि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त रह चुके हैं. तो बट ऑब्वियस टारगेट उनका हामिद होना चाहिए था. तो मुझे हामिद के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लग रहा था. संजय विनिंग दैट थर्ड स्टेज चेंज्ड एवरीथिंग क्योंकि अब वो वोट्स कहां गए हैं दैट वुड डिसाइड हु वाज गोइंग होम. ऑलराइट, इस टास्क में एक कैस्ट्रॉल पावर वन टॉप परफॉर्मर है और वो है आपके खिलाफ. एक्सपेक्ट किया था विपिन? मेरी मिसकैलकुलेशन कि गलत तरीके से मैंने कैलकुलेट किया हुआ था. लगा था कि एक दो आ सकते हैं लेकिन किसके आ सकते हैं ये एक्सपेक्टेड नहीं था अभी भी. लेकिन अब हो सकता है कि एक आया तो हो सकता है सारे भी हों. अगला वोट विपिन. क्या हुआ सर? सारे भी हो सकते हैं अब अगर इस कंडीशन. अगला वोट विपिन. सर, आई कांट लेट हिम लीव सर. आई एम स्टिल ट्रस्टिंग हामिद की वो आई थिंक जो उसने किया होगा सही किया होगा. हामिद नोज मेरे क्या डायनेमिक्स हैं. स्कोर 3. संजय 2. 3. अगला वोट संजय के लिए. अब मेरे नाम पे 3 वोट्स आ चुके थे और विपिन के 3 वोट्स आ चुके थे. अब सबसे बड़ा खुलासा होने वाला था कि कौन घर जाने वाला है. या तो विपिन के नाम आएंगे या तो मेरे नाम आएंगे. And I was very scared. Agla vote. Sanjay, aapke khilaaf. Sanjay. 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 हामिद ने संजय को ही वोट किया था. ही लिफ्ट अप टू हिज वर्ड्स और मेरे दोनों भाई आज बच गए थे. वोट आउट हो चुका था संजय एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था. मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि जिसने मेरी दोस्त को निकाला है ना अब वो घर जा रहा है. सर, मैं कुछ बोलना चाहूँगा. हाँ जी सर. कल का जो टास्क था
तो संजय के साथ हम पर संजय के साथ में परफॉर्म किए थे। तो सर संजय से मेरी अच्छी फ्रेंड है, जितने भी लोग वहाँ पे मेरा दोस्त है सर। अरे चल बे पागल, चल, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर मैन, चल। रो क्यों रहा है? वो संजय के लिए रो रहा है। क्या रो नहीं, चल। मेरे सर जितने भी दोस्त हैं सब मेरे दोस्त हैं सर, मैं चाह रहा था परफॉर्म करूं पर हामिद से मेरी उतनी बॉन्डिंग नहीं है सर, इसलिए मैं, उसने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि मेरे साथ परफॉर्म करो। उसके बाद था कि अगर मैं जो वो बोलता तो मैं करता, पर यही बात होगी अगर मेरे चारों दोस्त, मैं चाहता अगर मैं जीतता भी ना तो वो संजय के खिलाफ ही करता। नहीं, अभिमन्यु ने उसको बोला कि अगर मैं तेरे लिए परफॉर्म करूंगा, किसी के लिए, किसी का नाम लिया कि इसके अगेंस्ट वोट मत करना। ऐसा हुआ है? आपने बोला कि मैंने बात की है, I trust him. Sir, he knows what, है ना, बात हुई है ना? जी सर। आप भी कर सकते थे? हामिद से मेरी उतनी बॉन्डिंग नहीं है और उसने मुझे तो एक बार भी नहीं के लिए परफॉर्म करके पहले वाले में लास्ट आ जाते। Exactly. चारों दोस्तों को बचा लेते। You know this. गेम क्यों नहीं खेली जयंत? अभी रोने का कोई फायदा नहीं है। अभिमन्यु, come on. I made it very clear. You've seen him perform. मैंने कोई एक नाम नहीं बोला था हामिद को। I just said हामिद, you know what to do. अभिमन्यु, this boy could have taken you ahead, along with her and of course your own skill. I really thought that at this point we could have made a deal with the devil. We could have been in a situation जहाँ अभिमन्यु कहता कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए perform करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम रहो. But the other thing is, कोई भी जाए पर संजय को जाना नहीं चाहिए. He should have made that deal, but they're playing their own game. I am in no position to say anything. Sanjay. मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि I have to go home as a performer, क्योंकि आज के टास्क में मैंने स्ले किया है, मैंने परफॉर्म किया है, but nonetheless मेरी जर्नी शायद से इधर तक की थी। इन दो दिनों में आई वॉज मेंटली एग्जॉस्टेड बिकॉज द पीपल हु वर क्लोजेस्ट टू मी वॉज नॉट विथ मी एनी मोर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, लाइफ द मैसेज आउट टू द वर्ल्ड, लाइफ ऑफ समवन हुज फ्रॉम माय कम्युनिटी इज दिस। It's very difficult, guys. But उसी के साथ साथ हम बहुत लोगों से मिलते हैं जब हम लोग पैदा होते हैं, उसके बाद से हमारी बहुत बड़ी जर्नी होती है। First people is our parents, our family, to make them understand who you are, what you are. I'm sure individually it's very important for all of you to make them understand who you are, what you are, but it's little difficult. Spoken. Ki sab roadies se aur sab leaders ke beech mein, if there is one person who showed faith in you, if there is one person who had belief in you, who knew you were strong, who was standing up for you because you had a strong voice, आपने उसी इंसान को बोल दिया है दैट नेहा मैम आल्सो थॉट आई वाजंट स्ट्रांग। नो मैम, इट्स नॉट दैट। नो संजय, मुझे इस इंटायर जर्नी में एक बार मौका मिला था खुद के बल पे किसी को बचाने का, दैट टू व्हेन आई गॉट अ चांस टू गिव इम्यूनिटी टू समवन हुज नेम डिड आई टेक, माइन। तो उसके बाद क्या हुआ? अगर उस दिन आप चले जाते, आपको यहां तक आने का मौका मिलता, आई एम नॉट रबिंग इट इन, बट नाउ यू लेफ्ट मी विद नो चॉइस। I have stood up for you from day one. मैम, फिर मुझे कैप्टन क्यों नहीं बनाया? मैंने कैप्टन नहीं बनाया क्योंकि मैं सोच रही थी कि तुम जीत के यहाँ पे आओगे और हम तीनों एक टीम रहेंगे। I also feel like I've been stabbed in the back by these guys. Did I win the task? You think I didn't win the task? You won, Sanjay. I want you back more than ever.
मुझे बहुत बुरा लगा कि संजय जा रहा है. दूसरी बात, मुझे ये बहुत ज्यादा बुरी लगी कि जाते जाते संजय कह रहा था कि आई फाइंड हिम वीक. आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू संजय नो मैटर व्हाट. आई थिंक यू आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ. ये रोडीज रेवोल्यूशन है. आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो रेवोल्यूशन है, आपने अभी तक इतनी ऊंची उठाई है अपनी आवाज़ फॉर योर रेवोल्यूशन एंड आई रियली होप यू टेक इट अ लॉन्ग वे. अगर नेहा मैम आज मुझे कैप्टन बना देती तो मैं घर नहीं जा रहा होता और मैं जर्नी में मैम के साथ परफॉर्म करता फॉर नेहा मैम. संजय, यस, थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो. थैंक्स फॉर कमिंग फॉर द ऑडिशन. यस सर, थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सर. I just want to say, never give up in your life. No matter what, just stay focused. What you want in your life, you will achieve it. अपने आप पे भरोसा करो, दुनिया आप पे भरोसा करेगी. चार लोग रह गए, आप चारों अभी इसी वक्त एक एक टीम में जाने वाले. चॉइस भी आपकी है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू परफॉर्म. आज इस टास्क में जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया उसको पहले ऑप्शन मिलेगी. लेट्स फिगर आउट हु वाज द बेस्ट परफॉर्मर टुडे. सबसे ज्यादा वोट्स, तीन तीन वोट डालें. आपने कितने डाले? दोनों ने तीन तीन, हामिद और अमन. उसके बाद विपिन, और जो बच जाएगा तीन, तब तक उसमें जबिया. Don't get a choice. आपने सर्वाइव कर लिया, वही है. जिस भी टीम में आप जाओगे, you'll make it strong. We'll start with Hamid and Aman. Hamid, आप क्या चाहते हैं कि आप किसकी टीम में जाएं? निखिल सर. निखिल सर. अमन, आप क्या चाहते हैं आप किसकी टीम में जाएं? दिल नेहा मैम के साथ है, लेकिन बाकी लीडर्स के पास स्टाफ ज्यादा, तो दिमाग वर्ल्ड और किसी के साथ चल जाओ. इज इट निखिल? एट लीस्ट टेल अस, बिकॉज़ इफ इट्स निखिल देन वी विल हैव टू फिगर आउट थिंग्स. इफ इट्स नॉट निखिल, इट्स नॉट निखिल. कांग्रेचुलेशंस, योर टीम इज फुल नाउ. आई एम हैप्पी. यू आर हैप्पी? दैट्स अ गुड टीम निखिल. कांग्रेचुलेशंस हामिद. थैंक यू सर. वेलकम होम हामिद. मैंने फर्स्ट वोट आउट में डिसाइड कर लिया था कि निखिल सर की टीम में ही जाऊंगा जिस दिन मौका मिलेगा, एंड वही हुआ. फाइनली मेरी एक टीम थी, मैं निखिल सर के लिए खेलने वाला था, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश था. अमन, किसी को कुछ बोलना है अमन को? अमन, मैं कुछ कहूं? वही वेट कर रहा हूं मैं. अपने दिल की सुनो. नया मैम. Congratulations, Neha. You have your team. कहीं ना कहीं गेम में आगे जाके स्टार का कुछ रोल हुआ जो कि हम रोडीज के लिए फायदेमंद होने वाला था, तो मेरे लिए नेहा मैम को चूज करना नुकसान का सौदा होता. लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे नेहा मैम पसंद है, तो मैंने उस वक्त अपने फायदे का नहीं सोचा, मैंने अपनी दिल की सुनी और मैं नेहा मैम को चूज कर लिया. अगली बारी है विपिन की. विपिन, यू कैन चूज किसी भी टीम में जाना है, पर पहले बात कर लेते आकाश. कुछ बोलना है विपिन को? आकाश और अपूर्वा. बस अभी विपिन को ही पता है कि ज़रूरत है. मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस यही बोलूँगा कि आज वो भाई अगर ज़रूरत मुझे भी है. विपिन, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है. वरुण भाई. विपिन, कंग्रेचुलेशंस, यू फाउंड योर टीम. टीम वरुण. I just felt that जो day one में the connection I made with Vipin वो अभी तक intact है, and he wants to compete in my team and he wants to compete as a team together. So I was glad जो मेरी dream team थी, जो team मैंने expect की थी, वो मेरे साथ अभी है, and I was all in it to win it. Zabi? Yes sir. Team Prince. एक परसेंट में गेम के बारे में ये सोच रहा हूँ कि यार सभी आ गया अपनी टीम में, अब इस टाइम पे मतलब अगर कोई फिजिकल टास्क आ गया तो क्या मतलब प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज़्यादा. लेकिन दूसरी तरफ मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया कि यार इज़ द ओनली गाय जो ऑलरेडी रेवोल्यूशन ला रहा है,
जो ऑलरेडी कितना कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो मैंने वहां पे सीधा कहने अपने असली रेवोल्यूशन अपनी गैंग में है भाई, और कुछ हो चना हो। लीडर्स, आर यू हैप्पी विद योर टीम्स? यस। सब खुश है? यस सर। फाइनली अब आपको बताएं कि आपको किसकी मदद, किसके साथ आगे बढ़ना है। नाउ यू नॉट लॉस्ट, यू डोंट नो कि यार इधर भी दोस्ती उधर भी दोस्ती। जिनके साथ आप खड़े हो अपनी टीम में, वो ही और सिर्फ वो ही आपको आगे लेके जा सकते हैं। पहली बार टीम फॉर्म हो चुकी थी और हम सबको मौका मिलने वाला था हमारी टीम के साथ परफॉर्म करने का। हम सब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि एज अ टीम हम कैसा परफॉर्म करेंगे, और ये टीम फर्स्ट टाइम फॉर्म हुई थी तो देखना था कि किस टीम का स्टार प्लेयर कौन निकलेगा। अब बहुत ही क्लियर हो गई थी गेम कि इस लीडर के लिए परफॉर्म करना है, किसके साथ करना है। एंड मैं और माइकल बहुत खुश थे कि जो 12 लोग उछल रहे थे ना और एक एक करके हम सबको निकाला, हमारे दोस्तों को निकाला, वो अब आपस में लड़ेंगे एंड आपस में एक दूसरे को निकालेंगे।